देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रहा है, एक ऊंच नीच का, जो खास करके आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक महागठबंधन जो बना है, वो गरीब बेसहारा को न्याय, हक, अधिकार, दो वक्त का रोटी दिलाने का, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकत है और उसके पर्दे के पीछे आरएसएस जैसे शक्ति है जो गरीबों को सम्मान देना नहीं चाहता, अमीरों को सम्मान देना चाह रहा है। साथियों, इसके लिए हम लोगों को मजबूती से बिहार में नहीं पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और इसके लिए ज़रूरी पड़ा है कि आप तमाम 11.5 करोड़ बिहार के मतदाता, जो बिहार के जनसंख्या है, हर किसी का दायित्व बनता है कि ये लड़ाई लड़ने का। साथियों, आज बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज हमारे नीतीश कुमार जी विकास तो कुछ किए नहीं, अपने आप को विकास पुत्र कहला रहे। आज 11,000 करोड़ रुपया हर महीना में बिहार सरकार सिर्फ इंटरेस्ट भर रहा है, और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारे बिहार में, क्योंकि मैं एक मछुआरा का बेटा, गरीब मल्ला का बेटा, 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे घर में खेलना कूदना था, स्कूल कॉलेज जाना था, उस उम्र में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई जैसे शहर में मैं चला गया साथियों। वहाँ पे दिन रात मैंने मेहनत किया, और मुझे पता है अपने घर से दूर में रहना कितना कठिनाई होता है। जब रात को याद आता था माता पिता, तो हमें काफ़ी तकलीफ कष्ट होता था कि हमारे लोग हमसे दूर हैं। आज मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा युवा साथी बिहार से बाहर दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाए, उनको बिहार में मजदूरी मिले, बिहार में उसका कारखाना हो, बिहार में उद्योग हो, ताकि उनको बिहार में रोज़गार मिले साथियों। और बिहार में एक भी कारखाना, एक भी उद्योग नीतीश कुमार जी नहीं लाए हैं साथियों। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार को, सरकार को बदलकर एक नई सरकार, एक नई सोच, नई युवा, आदरणीय युवा साथी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, ताकि बिहार का कल्याण हो साथियों। और इसके लिए दिल्ली में हमारी सरकार बने, महागठबंधन यूपी की सरकार बने, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और हम लोगों को बिहार में और देश के लिए बेहतर कर सके साथियों। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता होगा कि 84 देश में पिछले 5 साल में 84 देश में घूमे, और 84 देश में घूमने में खर्च कितना किए, 6,400 करोड़ रुपया। आप बताइए कि जितना एक सांसद का विकास का कार्य होता है 5 साल में, 250 सांसद पूरे भारत में जितना विकास का कार्य करेंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना मोदी जी अकेले से भारत में घूमने में खर्च किया, और अपने आप को कहते कि मैं चौकीदार हूँ। हर युवा से उन्होंने वादा किया था कि हर युवा को नौकरी देंगे, साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 10 करोड़ नौकरी का मतलब हुआ हर पंचायत में 1,000 सरकारी नौकरी, और कहीं ना कहीं नहीं दिए साथियों। 2014-15 में मैं भी उनके साथ मजबूती से था, और उन्होंने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वादा किया था, एग्रीमेंट साइन किया था कि मुकेश जी आप हमको मदद कीजिए, आपकी जो लड़ाई है हक अधिकार का, आने वाले समय में मैं पूरा करूंगा। और कहीं ना कहीं जब हक अधिकार देने का बात हुआ तो मोदी जी पीछे पलट गए, और वहीं पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा मल्ला का बेटा को गले लगाया साथियों। कल तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए सारी ज़िंदगी बिता देता था, आज मल्ला का बेटा, निषाद का बिंद बेलदार नोनिया मल्ला का बेटा टिकट मांगने का नहीं काम कर रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा साथियों। और ये देन है हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने सरनब मल्ला को गले लगाया। इसलिए तमाम हमारे संगठन पार्टी के सभी पदाधिकारी से अपील है कि आपको एक मौका मिला है, मजबूती से ये समय को आप गंवाएं नहीं, और हमारे भाई यहाँ सुरेंद्र